सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज से हम पीपल एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे सस्टेन डेवलपमेंट गोल की और मिलेनियन डेवलपमेंट गोल की। दोस्तों ये एक नया टॉपिक है और वैसे तो इसमें पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए जितने 2019 के अंदर क्वेश्चन आए थे जून एग्ज़ाम के अंदर। तो दोस्तों ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर 2019 में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं संधारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल, और इसको और भी नामों से पुकारा जाता है जैसे कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी इसे कहा जाता है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के अंदर जो एग्जामिनर है किसी भी नाम से इसे पुकार सकता है, तो हमें इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या खास बात है। देखिए सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली की बैठक हुई, वहाँ उन्होंने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया। इन लक्ष्य को 2015 तक प्राप्त कर लेना था। इसमें 8 लक्ष्य थे तथा एसोसिएटेड टारगेट की संख्या 18 थी। अब देखिए इसमें से कई क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं कि इसकी जो सबसे पहली बैठक हुई थी 2000 के अंदर हुई थी, इन लक्ष्यों को 2015 तक प्राप्त कर लेना था और इनमें से कितने लक्ष्य थे, 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और एसोसिएटेड टारगेट की संख्या 18 थी। तो दोस्तों यहाँ से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं और इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि जो सस्टेन डेवलपमेंट गोल है उसकी शुरुआत कब हुई थी, ये उन्होंने पूछा हुआ था। तो उसके अंदर 2000, 2010, 2015 और 2020 ऑप्शन दिया हुआ था, तो यहाँ से हमें ये थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हुई थी। पृथ्वी सम्मेलन, इसके अंदर क्या हुआ था इस दौरान, यह सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया शहर में 1992 में हुआ था। ठीक इसके 20 वर्ष बाद रियो में ही 2012 में रियो प्लस 20 के नाम से सम्मेलन हुआ, जहां यह तय हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे। 2020 के बाद क्या करना है, यह 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करना था। अब देखिए ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये जो पृथ्वी सम्मेलन है दोस्तों, ये सस्टेन डेवलपमेंट गोल से ही रिलेटेड है, अलग विषय नहीं है, अभी इसमें आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको आप दोबारा से हम पढ़ लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसमें क्या हुआ था, यह सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, यह सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया शहर में 1992 में हुआ था और इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरिया सम्मेलन है वो किसके लिए, इस तरह के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। ठीक इसके बाद 20 वर्ष बाद यानी कि 1992 के 20 वर्ष बाद 2012 में रियो प्लस 20 के नाम से सम्मेलन हुआ, जहां यह तय किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक ही जारी रखेंगे। ठीक है, 2012 में जो सम्मेलन हुआ उसके अंदर क्या डिसाइड किया गया कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको 2020 तक जारी रखेंगे और 2020 के बाद क्या करना है, यह 2015 के पेरिस सम्मेलन में सभी देशों को तय करना था, डिसाइड करना था कि हमें 2020 के बाद क्या करना है। अब आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या हुआ था। सम्मेलन में यह भी तय हुआ कि संधारणीय विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल जैसी कोई चीज़ लेके आएंगे। इसके अनुसंधान में सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया। ठीक है, जिसको शुरू करने की तिथि 1 जून 2016 है, जिसको स्टार्ट करने की जो डेट रखी गई थी वो 1 जून 2016 रखी गई थी तथा गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2000
30 रखी गई थी। इसमें से भी क्वेश्चन आया दोस्तों कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल की जो लास्ट डेट है वो कब रखी गई है, 2030 यहाँ पे रखी गई है। इसमें से क्वेश्चन आया दोस्तों, मैं आगे दिखाऊंगा, आप पूरी वीडियो देखना, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे इसके अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, अंत 2030 तक सभी लक्ष्य पूरे हो जाए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हम प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य को पूरा करेंगे। अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखने वाली है दोस्तों, एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि वो क्वेश्चन पेपर में दे देगा कि 2030 के लक्ष्य है वो किस आधार पर रखे गए हैं, वो प्राथमिक आधार पर रखे गए हैं, उनको हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरा कर लें। और आगे इसमें क्या है दोस्तों, 2016 के बजट में संधारणीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नामक योजना लाई गई है। ये इंडिया की बात है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना जरूरी है, जिसके तहत सरकार ने 655 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के गवर्नेंस संरचना को सुधारा जाएगा, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास जो 17 लक्ष्य थे वो कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ मेन मेन चीज़ें वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या था कि भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, और उसके बाद में जैसे ये भी है, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ाना, यहाँ पे काफ़ी लक्ष्य दिए हुए हैं दोस्तों, आप पढ़ लेना। अगर मैं एक एक पढ़ूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। और जैसे इसके अंदर लैंगिक समानता, और इसके अंदर जैसे लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, ये भी इसका एक लक्ष्य है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आप पढ़ लेना दोस्तों। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये भी वैसा ही है दोस्तों, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और इसमें क्या हुआ था, इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य वर्ष 2015 के लिए 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे जो संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा को अपनाने के बाद 2000 में संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम शिखर सम्मेलन के बाद स्थापित किए गए थे। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, इसके अंदर क्या हुआ था, वर्ष 2015 में 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे, ठीक है, यानी कि 2015 में कितने अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे, 8 थे, जो संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा को अपनाने के बाद निर्धारित किए गए थे। और इसमें क्या था, 2000 में संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम शिखर सम्मेलन के बाद स्थापित किए गए थे। कब स्थापित किए गए थे, मिलेनियम शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसके बाद ही स्थापित किए गए थे। और दोस्तों इसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से कि जो 18 लक्ष्य हैं वो कब स्थापित किए गए थे वो हमें बताना है, तो उसमें एक ऑप्शन था मिलेनियम शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों इस तरीके से हमें हर एक चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे इसके अंदर क्या है, उस समय 191 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य और कम से कम 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 2015 तक निम्नलिखित मिलेनियर विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए प्रतिबद्ध थे। उस दौरान क्या था दोस्तों, 191 देश राष्ट्र थे उन्होंने भाग लिया था, और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उन्होंने भाग लिया था। और इसके अंदर जो मेन जो इम्पोर्टेंट 8 लक्ष्य थे वो हम देख लेते हैं दोस्तों, इसके क्या 8 लक्ष्य थे। एक था चरम गरीबी और भूख के उन्मूलन के लिए प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण प्रतिबंध की उपलब्धि, का लिंग समानता और महिलाओं की स्थिति का प्रचार, शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है, ये काफ़ी सारी है यहाँ पे, आप पढ़ 8 के 8 आप पढ़ लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उसके बाद हम बात करें दोस्तों, अगर ये भी पढ़ना चाहिए तो आप ये भी पढ़ लेना। अब भारत की स्थिति पे बात करें तो दोस्तों भारत में क्या है, भारत ने लक्षित लक्ष्यों में से HIV एड्स, ग्रीवी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्यु दर में निर्धारित मानकों को 2015 तक
प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि जो भारत है, भारत ने कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। तो एक है HIV एड्स, ग्रीवी, सार्वजनिक शिक्षा, शिशु मृत्यु दर, इन मानकों को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, जबकि अन्य लक्ष्यों में भारत अभी भी पीछे रह गया है। तो ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अब ये देखते हैं दोस्तों कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल और मिलेनियन डेवलपमेंट गोल में से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है। इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया था कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य रखा गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो देख सकते कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि कथन अभिकथन दिए हैं, तो ये देखते हैं कौन सा सही होगा, क्या गलत होगा। इसमें कहा है कि सबसे पहला ऑप्शन ए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। अब हमें ये बताना है कि ए सही है या आर सही है, या दोनों सही है या गलत है, वो बताना है। ठीक है, ये देख लिया। अब आर देखते हैं, पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का शरण नहीं करती। यानी दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जिन लोगों को हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम है। तो अब इन दोनों में हम देखते हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों बातें सही है। अब देखिए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी आर है, पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँचाती, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर हमारे सही रूल रेगुलेशन होंगे तो वो पर्यावरण को क्यों नुकसान पहुँचाएंगे, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये दोनों की दोनों बातें सही है दोस्तों, कोई भी बात गलत नहीं है। लेकिन अब हमें इसमें क्या देखना है, ऑप्शन नंबर ए दिया, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है या नहीं, ये हमें बताना है। अब देखिए, दोनों बातें सही है, लेकिन आर जो है ए का समर्थन नहीं करती, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें अलग हैं। हाँ, रिलेटेड है, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे का समर्थन नहीं करती। ये सस्टेन डेवलपमेंट गोल है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, और ये पर्यावरण की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों की दोनों बातें सही है, लेकिन एक दूसरे का समर्थन नहीं करती। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये हमारा 21 जून 2019 को क्वेश्चन आया था। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। अब ये देखिए दोस्तों, ये मैंने बात कही थी ना कि कब शुरुआत की गई थी उनकी, जो सस्टेन डेवलपमेंट गोल है उनकी, कब शुरुआत की गई थी, कब की गई थी, 2000 के अंदर की गई थी। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 2010 के अंदर की गई थी, तो इसका जो कथन ए है ये गलत हो जाएगा। अब दूसरे पे बात करते हैं, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था, ये बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ से अपना जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल सेकंड राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। और हम लोग वैसे डरते जाते हैं, पता नहीं क्या आता है पेपर के अंदर, हाई हो नहीं पाता, हमारे अंदर ऐसा हवा बना हुआ है। लेकिन आप अपनी आँखों से देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी हमें मेहनत करने की आवश्यकता, आपका नेट प्लस GRF दोनों क्लियर हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाते हैं और ओल्ड पेपर देते हैं, जिसके अंदर आज तक जो भी रिसर्च के क्वेश्चन आए वो हमने अलग कर रखे, कम्युनिकेशन के अलग कर रखे, टीचिंग के अलग कर रखे। ऐसा करने से आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था, ये भी हमारा 21 जून 2019 को ही आया था। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस समिति इज आल्सो नाउन एज UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेन डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेन डेवलपमेंट के ऊपर कौन सी समिति या कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हमें बताना है। ये हमने पढ़ा था दोस्तों, अभी पढ़ा, आपको ध्यान में हो तो, Rio+20 की बात की थी मैंने, 2 से 3 बार इसका नाम आया था। तो दोस्तों, आप देख सकते कि कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हम अच्छे से करें तो बिल्कुल आसानी से अपना पेपर क्लियर हो सकता है।
और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 24 जून को ये आया था क्वेश्चन, इसके अंदर क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रायोरिटी एरिया इन रिलेशन टू द सस्टेन डेवलपमेंट गोल। सस्टेन डेवलपमेंट गोल की क्या प्रायोरिटी है वो हमें पता करना है। और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हिंदी में भी दिया गया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए के ऊपर हम बात करते हैं, कोई गरीबी नहीं, ये बात हम कह सकते हैं। उसके अंदर गरीबी कम करने की बात कही गई थी। शून्य भूख, यानी कि जो भूखमरी है आज के टाइम में उसे कम से कम करने की हमारी कोशिश की गई थी। और आगे है शहरीकरण को कम करना, ये बात डाउट में है दोस्तों, ये बात उसमें नहीं कही गई थी कि जो अर्बन एरिया है सिटी है उनको कम किया जाए, ये नहीं कहा गया था। और उसके बाद में है जैसे ऑप्शन नंबर डी, शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं, ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ABD हम देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, यानी कि ए इसके अंदर है कोई गरीब नहीं, बी है शून्य भूखमरी बिल्कुल सही है, और डी की बात है शांति न्याय और मजबूत संस्थाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी से जो हर बार क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं और इतने आसान होते हैं दोस्तों, हम उनको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना, मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊँगा जो 2012 से लेकर 2019 तक हर बार रिपीट हुआ है। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। ये देखिए दोस्तों जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत भाग है, इन्होंने इसका परसेंटेज पूछा हुआ है। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो द परसेंटेज शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन द पावर प्रोडक्शन इन इंडिया इज अराउंड, इन्होंने इसका प्रतिशत पूछा हुआ कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है इंडिया में उसका कितना प्रतिशत है, तो ये इन्होंने पूछा हुआ है। दोस्तों इससे ये घुमा फिरा के काफ़ी तरह के क्वेश्चन देते हैं इससे परसेंटेज से रिलेटेड, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें। तो दोस्तों ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो यहाँ से रिपीट हुए हैं बार बार, और दोस्तों इसका मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा जहाँ से आप आसानी से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। इसके अंदर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है, इन्होंने जो नेचुरल रिसोर्स है वो पूछा हुआ कि कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, ये पूछा हुआ है। और अगर हम इंग्लिश के अंदर देखें तो ये रहा इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ये क्वेश्चन करीब 3 बार पहले भी आ चुका है, और उन क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा हुआ था, नमक की जगह उन्होंने किसी में लवण दे दिया, किसी में साल्ट लिख दिया, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के उन्होंने पूछा हुआ था। और ये जो 3 क्वेश्चन पहले आए थे वो 2010 का जो क्वेश्चन पेपर हुए थे हमारे पहले के, 2010 से पहले के जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार, तो ये क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिखा देता हूँ मैं आपको और किस तरह से रिपीट हुए हैं। ये देखिए दोस्तों ये जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है, यानी कि इन्होंने यहाँ पे भी इनका जो स्रोत है वो पूछ लिया, सोर्स है वो पूछ लिया कि कौन सा नवीकरणीय स्रोत है या नहीं। और आगे हम देखते हैं अगर इंग्लिश के अंदर ये क्वेश्चन देखें तो इसमें भी यही बात आपको दिखाई देगी, देखिए नेचुरल रिसोर्स इन्होंने पूछा हुआ कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आप नेचुरल रिसोर्स अच्छे से कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। और देखते हैं हम इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए दोस्तों दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 53, इसमें इन्होंने पूछा हुआ कि भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित अक्षमता को बढ़ाकर
कहाँ तक बढ़ाने की योजना, यानी कि इन्होंने टारगेट पूछा हुआ है कि 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा का टारगेट क्या है भारत सरकार का। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 350 गीगावाट है। और इसमें देखिए इन्होंने यहाँ पे 2023 का पूछा हुआ है, तो काफ़ी बार ये 2022 का भी पूछ लेते हैं, 2025 का पूछ लेते हैं, तो इन सभी का हमें पता होना ज़रूरी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका मैं नोट्स आपको दे दूंगा, अभी मैं दिखाने वाला हूँ, उस नोट्स में सारी की सारी चीज़ें कवर की हुई है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए जुलाई 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें कहा है कि वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य है। दोस्तों ये भी जो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें भी इन्होंने टारगेट पूछा हुआ कि बायोमास से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लेना, अभी मैं आपको नोट्स दे दूंगा। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहो तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें इन्होंने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का जो टारगेट है वो पूछा हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये देखिए लक्ष्य रखा है, यानी कि इन्होंने टारगेट पूछा हुआ है कि 2022 में क्या लक्ष्य रखा हुआ है सरकार ने। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने 2030 का पूछा हुआ था, अब इन्होंने 2022 का पूछ लिया, तो अगली बार हो सकता है 2025 का पूछ ले या 2028 का पूछ ले, तो इनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों हमारा है जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजना से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य है। अब देखिए दोस्तों वही बात आ रही है, टारगेट पूछ रहे हैं बार बार, किसी में बायोमास का पूछ रहे हैं तो किसी में जल विद्युत का पूछ रहे हैं। देखिए हमारी कई तरह की जो ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, जैसे कि पानी से कर सकते हैं, हवा से कर सकते हैं, और काफ़ी तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उन सभी का इन्होंने घुमा फिरा के पूछा हुआ कभी। और आगे हम देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसमें से। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे लिए ये करना कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2018 का री एग्ज़ाम। री एग्ज़ाम का मतलब ये है दोस्तों जो कुछ स्टूडेंट्स का, यानी कि इलाहाबाद में पता नहीं कौन से सेंटर पे वहाँ पे दोबारा एग्ज़ाम हुआ था 50-100 स्टूडेंट्स का, तो उस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी का नहीं हुआ था, कुछ स्टूडेंट का हुआ था। तो उसमें हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ था। इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर मैं दिखाऊँ आपको, हाँ ये देखिए दोस्तों इन्होंने पूछा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए भारत सरकार के लक्ष्यों के अनुसार 2022 तक। अब ये देखिए इन्होंने 2022 का इन्होंने टारगेट पूछ लिया। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से जो एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा एवं वायु ऊर्जा, यानी कि दोनों का इन्होंने पूछ लिया, यानी कि दोनों का इंक्लूड करके हमें इसका आंसर देना है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन जुलाई 2018 में भी आया है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। और इस तरह का जो क्वेश्चन है ना दोस्तों जो सीरीज़ में लगाने का, ये करीब 3 से 4 बार पहले आ चुका है। ये 2000 करीब 15 में भी आया था, 2010 में भी आया था, 9 में भी आया था, इस तरीके से 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और अब देखिए जुलाई 2018 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना ये टॉपिक है। और यहाँ ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा कि किस तरह से हमें ये करना है। अभी मैं केवल और केवल आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए दोस्तों ये दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर ये देखिए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल पावर विच कैन बी डेवलप विद मिनिमम कॉस्ट इज, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ऐसा कौन सा सोर्स है जो बहुत कम कॉस्ट के ऊपर डेवलप किया जा सकता है। तो इसके अंदर बायोमास है दोस्तों। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने आसान तरीके से हमसे पूछ रहे हैं। और दोस्तों हमने इसके ऊपर पूरा नोट्स भी बना रखा है, आप देख सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो पूरा का पूरा नोट्स है दोस्तों ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें करवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं करवाने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो अगली जो वीडियो होगी दोस्तों हमारी, उसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाऊंगा कि जो 2022 के अंदर क्या लक्ष्य रखा गया है, 2030 के अंदर क्या
क्या लक्ष्य रखा गया है और कितना मेगावाट है बायोमास से, इलेक्ट्रिसिटी से कितना क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो है दोस्तों वो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना, उसके अंदर मैंने आपको बहुत सी चीज़ें दी हुई है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ये दी हुई है दोस्तों। तो बहुत कुछ होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। दोस्तों इसके बारे में हमने एक सुबह वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपको बताया था कि इसमें से कितने क्वेश्चन आज तक आए हैं और किस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो टारगेट बेस होते हैं कि भारत ने 2030 तक कितना टारगेट रखा है, बायोगैस से कितना टारगेट रखा है, हाइड्रो पावर से कितना टारगेट रखा है। तो इन सभी के बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। देखिए जो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो एक बार यूज करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने के लायक हो उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब देखिए कुछ हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे आपको बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाए। जैसे कि हमारे पास सूर्य की किरणें होती है तो उससे क्या है कि हम बार बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो पवन चक्की है, हवा है, हवा से हम बिजली बनाते हैं तो वो भी जल्दी से ख़त्म नहीं होती। और उसके बाद जैसे कि हमारे पास बायोमास है, बायोमास जैसे कि गोबर गैस प्लांट की बात वगैरह की जाती है तो उनसे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और उसके विपरीत अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की, यानी कि ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा यूज़ ना हो उसके, जैसे कि हम बात करें डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, इससे हम बिजली बना सकते हैं यानी बना सकते हैं, लेकिन एक बार पेट्रोल को यूज़ करने के बाद हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। और आपने सुना भी होगा कि पेट्रोल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ जा रहा है। अब हम इसमें ये देखते हैं दोस्तों हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का जो ऊर्जा मंत्रालय बनाया गया है उसके आंकड़ों के मुताबिक भारत के अंदर कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन कितना है, 896,602 मेगावाट है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अक्षय ऊर्जा को हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, ये दोनों के दोनों सेम चीज़ है। और एक और चीज़ जैसे इसके अंदर जो राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा से उत्पादन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो भारत का सबसे पहले नंबर पर राज्य आता है। और उसके बाद पे जो दूसरे नंबर पर आता है वो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान आता है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इसके बाद जैसे और भी काफ़ी सारी जानकारी हमने यहाँ पे दी हुई है, आप ये सभी की सभी पढ़ लेना एक बार। और इसके बाद जैसे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम देख लेते हैं। जैसे नंबर दो पे इन्होंने दिया है कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर आता है, यानी कि पवन चक्की वगैरह से, यानी कि पवन से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो भारत का चौथा स्थान आता है पूरी दुनिया के अंदर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। और उसके बाद में जैसे हम बात करें कि ऑप्शन नंबर चार इन्होंने दिया है वर्तमान में भारत के पास नवीकरणीय स्रोतों से 58.30 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की अक्षमता है। अब देखिए भारत में जो भी हमारे पास नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो जो जितनी भी टोटल एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो, उसमें कितना भाग है दोस्तों, 58.30 मेगावाट है। और अगर इसे परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों 18.5% इसका हिस्सा है, वो किसका है दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हम 18.5% इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी अपनी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि पाँच पे भारत की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन अक्षमता 2030 तक सौर क्षमता का 8% होने की उम्मीद है। और उसके बाद में एक और जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि भारत शीघ्र ही अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में एक उत्कृष्ट स्थान हासिल कर लेगा। और इसके ऊपर दोस्तों नई दिल्ली के अंदर एक जो सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ था,
अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था दोस्तों। तो ये बात हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ लेना, बिल्कुल आसानी से आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। और यही चीज़ हमने दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में भी दी हुई है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद कुछ और मेन पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। देखिए 2019 के अंदर जो काउंटिंग वगैरह की गई थी तो उसमें क्या निकल के आया था कि भारत की कुल बिजली उत्पादन यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं भारत के अंदर टोटल, उसका मिश्रण क्या है वो इन्होंने बताया था कि अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो हिस्सा है वो कितना है, 35% है। कोयले का कितना है, 55% है। परमाणु ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिसिटी अभी 2% बना रहे हैं और छोटे हाइड्रो और अन्य स्रोतों से 8% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो दोस्तों ये भी हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अंदर जैसे कि हम बात करें यहाँ पे एक और, हाँ ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन आया था हमारे पहले एग्जाम में आ चुका है। इन्होंने पूछा हुआ था कि 2027 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की कुल अक्षमता कितनी है, वो इन्होंने पूछी हुई थी। तो इसका आंसर, तो दोस्तों इसका आंसर 57% था। तो ये चीज़ हमें ध्यान में होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों 2027 के ब्लूप्रिंट के अनुसार भारत का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कितना है दोस्तों, 275 गीगावाट है और 72 गीगावाट पनबिजली से है और 15 गीगावाट दोस्तों परमाणु ऊर्जा से है और अन्य स्रोतों से कितना है दोस्तों, 100 गीगावाट इन्होंने दिया हुआ है। तो दोस्तों ये भी आप थोड़ा ध्यान में दे लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। और दोस्तों अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो ये इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये जो ऊपर दिया हुआ है हमने ये पूरा इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है और नीचे हमने हिंदी में दे रखा है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 2022 तक बढ़कर 18% तक पहुंच जाएगा और अभी कितना है दोस्तों, ये 7.8% तक है। और आगे देखिए दोस्तों अक्टूबर 2019 तक जो रिकाउंटिंग वगैरह हुई थी उसके अनुसार क्या है कि भारत के पास 31 मार्च 2030 तक 450 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जो ये लक्ष्य था दोस्तों वो था 350 गीगावाट था और अब कितना हो गया, 450 गीगावाट हो गया। ये हमें चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। और उसके बाद में दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें से करीब 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इस पॉइंट को हम अच्छे से देखते हैं। भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले आ चुका है कि 2022 तक कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है दोस्तों, तो इसका आंसर है 175 गीगावाट निर्धारित किया गया है। और उसके बाद दोस्तों जो 175 है वो डिवाइड किसके अंदर किया गया है वो हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 10 गीगावाट वायु ऊर्जा से और 5 गीगावाट छोटे जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों का निर्धारित किया गया है। और यहाँ पे जैसे हमने इंग्लिश में भी दे रखा, यहाँ पे आप देख लेना अगर किसी को ये ना पता चले कि पवन ऊर्जा को क्या कहते हैं और जल विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख लेना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है दोस्तों ये पॉइंट आप अच्छे से कर लेना क्योंकि इसमें से अभी तक 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। और भी यहाँ पे कई चीज़ें दी हुई है, आप ये आसानी से पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है और ये पढ़ ज़रूर लेना दोस्तों क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, ये भी आप पढ़ लेना, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है हमने। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक चार्ट भी बनाया हुआ है, ये आप चार्ट देखना चाहे तो ये भी देख सकते हैं कि विंड पावर जो है
उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि मेगावाट के अंदर, ये हमने बात की थी कि 60 मेगावाट प्रोड्यूस होती है सोलर पावर से, 100 मेगावाट की हमने बात की थी। और दोस्तों एक जो क्वेश्चन है इसमें से ये बन सकता है दोस्तों कि जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको क्रम वाइज हमें लगाना है। यानी सबसे पहले आएगा दोस्तों हमारा सोलर एनर्जी आएगा, और फिर आएगा हमारे पास विंड पावर आएगा, और फिर आएगा हमारे पास बायोमास आएगा, और फिर आएगा ये शायद स्मॉल हाइड्रो पावर आएगा। तो ये चीज़ें आप देख लेना दोस्तों किसकी जो अक्षमता ज़्यादा निर्धारित की गई। जैसे ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसमें देख लेना दोस्तों। इसमें से मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और एक क्वेश्चन इसमें से ये भी आया था कि जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उनको क्रम वाइज लगाइए, सबसे ज़्यादा जो टारगेट है वो किसका रखा गया, फिर किसका, फिर किसका, ठीक है। तो ये दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके और दोस्तों अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स देते हैं, प्लस में हम आपको 2012 से लेकर 2019 तक ओल्ड पेपर क्वेश्चन देते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि सभी सोर्सेज की मिला के चले, यानी कि वो रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, तो उनसे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो भी यहाँ पे दी गई है। जैसे कि कोयले से कितना है, 54% है, और लार्ज हाइड्रो से है 12% है, गैस से कितनी होती है, 6.90 होती है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में दे लेना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें।